आप मतलब कईयों को राहुल गांधी मंदिर में नारा नहीं लाओ, ठीक है। देखो क्या है ना कि ये घमंड नहीं करना चाहिए कभी कि मैं जीत रहा हूँ। जिताने हारने वाली तो जनता है, तो उनका सम्मान करना चाहिए, तो तब आपका सम्मान करें। नहीं नहीं देखो ये ना जिनको कुछ पता नहीं है, जो अभी अभी नए नए राजनीति में, इनको कुछ पता नहीं है। मैं 1983 से यहाँ पे हूँ और मैं यूथ कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पे आया था, ठीक है। तो यूथ कांग्रेस के मैं आया था तो मतलब पॉलिटिक्स में ही था। जो मेरे मेंटर थे, जिन्होंने मेरे को दिल्ली भेजा था उस कैंप में, वो हमारे पंजाब के MLA थे जिनको उग्रवादियों ने मार दिया था। क्योंकि मेरे बारे में बहुत लोग नहीं जानते और मैंने किसी को जनाने की कभी कोशिश भी नहीं किया। तो जब काम यहाँ कर रहे हैं तो मेरे को ज़रूरी नहीं था कि सबको जनाना। लेकिन अब ये आई चीज़ तो नेचुरली लोग ढूंढते हैं कि ये कौन थे, कैसे थे, क्या थे। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। ठीक है, बहुत से लोग नहीं जानते, मिथ्या में हैं, तो रहने दिया जाए, ठीक है। आपको लगता है कि बाहरी बनाम स्थानीय टाइप बनाया जा रहा है? कौन सा बाहरी से मतलब पंजाब से आया? तो दूसरी प्रत्याशी कहाँ से आई? बीजेपी प्रत्याशी कहाँ से आई? आपको लगता है कि स्मृति ईरानी चुनौती है केंद्रीय मंत्री? नहीं, पहले तो बताओ ना कि जो दूसरी प्रत्याशी कहाँ से आई। मैं 40 साल से अमेठी में हूँ, 40 बनाम 10, 30 साल पहले से हूँ। तो ये प्रश्न आपका ठीक नहीं है। नहीं, मैं बीजेपी की तरफ से मैं तो हाँ तो बताया ना, आप बता दीजिएगा हमको। सरकार वाला 40 बनाम 10 की नहीं, ये जनता की लड़ाई है, मेरी और उसकी लड़ाई नहीं है। जो जनता के मन में है लड़ाई वो है। हम लोग कभी बड़े घमंड में नहीं बोलते, क्योंकि जो जनता के मन में जो फैसला होगा जनता वो करेगी, वो हमारे सर माथे पे कबूल होगा। आपने कहा कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं हराऊंगा, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? तो मैं क्या यहाँ हारने के लिए आया हूँ क्या? आप भी अजीब बात है, कोई प्रत्याशी हारने के लिए आता है? मतलब आप आश्वस्त अपनी जीत को हैं? जनता के दम पे, जनता के दम पे, मैं अपने दम पे नहीं कहता हूँ, जनता के दम पे मैं बात करता हूँ। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते।